नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीआरसी ऑफिस की भर्ती के बारे में, यानी कि डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय की भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए दोस्तों सिटीजन्स ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप आज की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती होने जा रही है डीआरसी के ऑफिस में, यानी कि डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय की दोस्तों ये भर्ती है। और दोस्तों, जहाँ तक पोस्ट की बात है यानी कि पद की बात है, तो उसमें भर्ती होने जा रही है पियोन की, यानी कि चपरासी की, ड्राइवर की, रूम बेयरर की, रिसेप्शनिस्ट की, जूनियर असिस्टेंट की, हाउसकीपर की तथा अकाउंटेंट की दोस्तों इसमें भर्ती होनी जा रही है। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास या ग्रेजुएशन। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात है, तो इसमें 18 साल से 40 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों, इसके लिए क्रूशल डेटा है 1 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी 2020 के हिसाब से ही आपकी एज की गणना की जाएगी। जहाँ तक अपर एज रिलैक्सेशन की बात है, तो एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है, तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। पियोन के लिए दोस्तों पे स्केल होगा 12,000 रुपये से लेके 37,500 प्लस ग्रेड पे 3,900। इसी प्रकार ड्राइवर के लिए दोस्तों पे स्केल होगा 14,000 रुपये से लेके 49,000 प्लस ग्रेड पे 5,200 रुपये। और रूम बेयरर का पे स्केल होगा 12,000 रुपये से लेके 37,500 प्लस ग्रेड पे 3,900 रुपये। दोस्तों, जहाँ तक रिसेप्शनिस्ट, जूनियर असिस्टेंट तथा हाउसकीपर के लिए पे स्केल की बात है, तो इनका पे स्केल होगा 14,000 रुपये से लेके 49,000 प्लस ग्रेड पे 6,200 रुपये। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और इस भर्ती के लिए जैसे बताया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 जनवरी 2021। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूरा डिटेल दे रखा है दोस्तों, इससे आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस भर्ती का लोकेशन मुंबई है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://nyukti.assam.gov.in। और दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी दे रखा है। तो दोस्तों, ये था सौ डिटेल इस भर्ती का। इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।